जी देखिए, जैसे कि थोड़ा बहुत हमारे जो अभी शहर में जो काम चल रही है रोड की, सब जगह नाले बन रहे हैं, लेकिन अभी पर्याप्त मात्रा से उनका चालू नहीं किया गया है, तो जल जमाव बहुत जगह पे हो जा रहा है, गंदगी भी काफ़ी फैली हुई है। थोड़ा नगर निगम वालों को थोड़ा इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा, छिड़काव नहीं हुआ है, बहुत जगह पे फॉगिंग नहीं हुई है, इस कारण से जो मॉस्किटोज़ होते हैं डेंगू के, वो इस सब जगह पे ज़्यादा पनपते हैं और ये पनपने के कारण ही इसका इतना ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। नया अस्पताल बनाया है सर, जी हाँ, ये नया अस्पताल हम लोगों ने 2 दिन हुआ अभी चालू किए हुए, वहाँ पे सारी तरह की सुविधा दी गई है। हमारे जो समर्थी डॉक्टर्स हैं, हमारे जूनियर्स भी होते हैं, साथ के हमारे बड़े सीनियर्स भी होते हैं, दिन भर प्रतिदिन हर समय 3 पारी में उनकी राउंड्स होती है वहाँ पे, जो भी इनकी ज़रूरत है मरीजों की, अगर किसी की प्लेटलेट की कमी होती है या कोई ब्लीडिंग टेंडेंसी चालू हो जाती है, तो उसको हम लोग प्लेटलेट की ट्रांसफ्यूजन की सुविधा है, ब्लड बैंक हमारा इसमें बहुत ही ज़्यादा सहयोग कर रहे हैं, हमारे यहाँ प्लाज्मा थेरेसिस की भी सुविधा है, सिंगल डोलर प्लेटलेट देने की भी सुविधा है, तो मिला जुला के हमारा एक सहयोग पूरा टीम बना हुआ है जो इस चीज से हम लोग उभरने की कोशिश कर रहे हैं। भागलपुर में मुझे लगता है कि जल जमाव की समस्या थोड़ी बहुत ज्यादा हो गई है और जो विभिन्न जगह पानी जम रहे हैं, नालियों की उड़ाई हुई है और उनकी क्लियरेंस तुरंत तुरंत नहीं हो पा रही है, तो ये चीज़ देखना होगा और नगर निगम की तरफ से सफाई की तेज व्यवस्था करनी होगी, फॉगिंग ज़्यादा करनी होगी, फॉगिंग मेन सड़कों पर हो तो फॉगिंग गलियों में भी आवश्यक है और खासकर ऐसी जगह में जहाँ झाड़ियाँ हों उनके ऊपर फॉगिंग करना ज़्यादा आवश्यक है। अभी रोजाना करीब 30 से 35 मरीज अस्पताल में प्रतिदिन भर्ती हो रहे हैं और मेरा आकलन है कि लगभग इससे दुगने पेशेंट प्राइवेट जितने क्लिनिक्स हैं उसमें भी शहर में दिखाए जा रहे हैं। 2 की मौत भी हुई है, क्या कारण है, मौत का कारण है? देखिए, जहाँ तक सवाल है मुझे ये नहीं पता है कि इन दोनों जो मौत है, एक की जानकारी आप ही लोगों से मिली थी, एक की मौत की जानकारी मिली कि एक 35 साल का शायद युवक था, तो उसको कुछ मल्टी ऑर्गन प्रॉब्लम भी था और उसका 5-7 दिन से बाहर इलाज चल रहा था, जब उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई और वो बिल्कुल मल्टी ऑर्गन फेलियर में चला गया, तब वो यहाँ पर लाया गया था। इसलिए मल्टी ऑर्गन फेलियर अपने आप में बहुत डेंजरस होता है और 60-70% डेथ होता है इसमें। ये एक लेट अवस्था थी डेंगू की संभवतः, तो शायद उसी से डेथ हुआ हो।